आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि जल को किस तरह से प्रदूषित किया जा रहा है। कई शहरों में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जल पीने योग्य भी नहीं है। कई लोग आप देखते हैं कि प्रदूषित जल पी रहे हैं, उससे आप देखते हैं कई तरह की बीमारियां भी होती हैं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हमारी क्या है एक फैसला किया है जल प्रदूषण को लेकर। तो आज का ये आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, हो सकता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन सकता है, और डायरेक्ट ना बने क्वेश्चंस तो आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21 से संबंधित आपके क्वेश्चंस हमेशा बनते रहे हैं और बनते रहेंगे। अभी आपने देखा होगा कि जब आपके उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा ने जब ये अंतर धार्मिक विवाह पर प्रतिबंध लगाने की बात की है, कानून लाए, तब भी आपने देखा होगा कि आर्टिकल 21 की बात उठने लगी थी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या होगा इसमें। तो चलिए हम लोग 21 आर्टिकल 21 के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहा है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है कि जो आपका संविधान का भाग 5 है, इसमें अध्याय 4 के तहत आपकी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। और आप जानते होंगे कि आर्टिकल 124 से 147 तक आपका सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। किससे? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। और इसकी स्थापना की अगर डेट कभी पूछे तो बताना है आपको 28 जनवरी 1950 को, ठीक है? 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? याद रखिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नदी जल प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि प्रदूषण मुक्त जल नागरिकों का मौलिक अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज्य का संविधानिक दायित्व है। किसका? राज्य सरकार का दायित्व है। एक बात और याद रखिए, आप देखते हैं कि संविधान के भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 12 यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपको क्या देखने को मिलेगा? आपके मौलिक अधिकार, ठीक है? उन्हीं में से आपका आर्टिकल 21 भी एक उन्हीं में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में नदी जल प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी शुरुआत यमुना नदी को प्रदूषित मुक्त बनाने से की गई है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड की हरियाणा से आ रहे पानी में प्रदूषण की बार बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। और एक बात आपको बताऊं, इससे पहले आपने देखा होगा गंगा नदी का क्या हाल था, 2014 के पहले आपने देखा है गंगा नदी का क्या हाल था। अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि काफी हद तक उसे साफ कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि इलाहाबाद और कानपुर के जो गंदे नाले थे, और आपने देखा होगा कि कानपुर की जो एक तरह से फैक्ट्रियां लगी हुई थी, कंपनियां थी जो जूते बनाने वाली चमड़े उद्योग की, तो उन्हें वो भी वहां से हटा दिया गया है। तो अब तो काफी एक तरह से उस पर कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी आपको देखने को मिलेगा प्रदूषित, ठीक है? और यही यमुना नदी का है आपका हाल। किसका? यमुना नदी का। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड बार बार यह शिकायत कर रहा था कि हरियाणा से यमुना नदी में खतरनाक प्रदूषित तत्वों वाला जल छोड़ा जा रहा है, और इससे यमुना नदी के जल में अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब इसमें क्लोरीन का मिश्रण किया जाता है तो कार्सिनोजेनिक बन जाता है, जो आप देखेंगे कैंसर जैसी घातक बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। इससे क्या होगा? कैंसर जैसी घातक बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों, केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB को नोटिस जारी किया है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से यमुना प्रदूषण पर रिपोर्ट भी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ में प्रधान न्यायाधीश SS बोबड़े, SS बोपन्ना और BV रामासुब्रमण्यम शामिल हैं। इन तीनों को नाम को याद रख सकते हैं, वो कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ ले इसमें कौन कौन शामिल थे। अगर हम यमुना नदी के बारे में कुछ पॉइंट की बात करें तो यह है गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निम्न हिमालय के मसूरी रेंज में बंदरपूंछ चोटी के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। आप देखेंगे बंदरपूंछ चोटी के पास एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। आपको देखने को मिलेगा यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में बहती हुई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज संगम में गंगा नदी से मिल जाती है। लंबाई की अगर बात करें तो यमुना नदी की कुल लंबाई आपको देखने को मिलेगा 1376 किलोमीटर, यानी कि 1376 किलोमीटर। इस पर अगर महत्वपूर्ण बांधों की बात करें, जो बांध बनाए जाते हैं आप देखते हैं इनसे बिजली भी बनाई जाती है, पानी का एक तरह से उपयोग भी होता है, और इसमें आप देखते होंगे कि आपका जो सिंचाई का काम होता है उन पर भी काम चलता है, उनका भी काम एक तरह से रहता है।
तो इस पर बांध की बात करें तो लखवार ब्यासी बांध उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, ताजे वाला बैराज बांध ये हरियाणा में देखने को मिलेगा, ये दोनों बांध है इस पर, ठीक है ना, याद रखिए। सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो यमुना नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और कैन है, ठीक है, इन्हें भी याद रखिए। कई बार पूछ लेता है इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस पर कौन सा बांध, पूछ लेगा आपसे कि लखवार ब्यासी बांध किस नदी पर बनाया गया है, या पूछ लेगा कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, या फिर पूछ लेगा कि चंबल किसकी सहायक नदी है। तो इन पॉइंटों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा, ठीक है। और देखिए यहां देखने को मिलेगा आपको, देखिए ठीक है, एक तरह से आपकी मैप से। अब बात करते हैं प्रदूषण मुक्त जल व साफ पर्यावरण नागरिकों का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा है कि प्रदूषण मुक्त जल व साफ पर्यावरण नागरिकों का मौलिक अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व भी है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन जीने के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। इसके अतिरिक्त इस अनुच्छेद में गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। एक बात आप लोगों को बताऊं, जब ये आर्टिकल शामिल किया गया था आपका, जब ये आपका आर्टिकल संविधान में शामिल किया गया तो सीधी सी बात लिखी हुई थी इसमें, कोई ज्यादा इसमें झंझट नहीं था, एक तरह से जीवन जीने का अधिकार इतनी एक तरह से आप कह सकते हैं लाइन लिखी हुई थी। पर आपने देखा है आगे इस तरह, देखिए जो भी मौलिक अधिकार है आपके, आपने देखा है शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया आर्टिकल 21 का के तहत, 86वें संविधान संशोधन की बात कर रहा हूं। इसके बाद आपने देखा है कि हमेशा जुड़ते रहेंगे इस तरह के, हो सकता है कल आपको नौकरी की व्यवस्था कर दे कि आपका मौलिक अधिकार है, आपकी नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी कहीं भी, या फिर आपको स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात कर दें कि आपका मौलिक अधिकार है कि स्वास्थ्य मिलेगा, मतलब स्वास्थ्य की हर सुविधाएं मिलेगी। और याद रखिए मौलिक अधिकार का मतलब यह है कि आपके अधिकारों का हनन होता है या आपको इन अधिकारों की सुविधा नहीं मिल रही है। तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपकी रक्षा करेगी और आपको वो सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी, ठीक है। तो अब देखेंगे आप लोग कि आर्टिकल 21 में विस्तार होता जा रहा है, नई नई परिभाषाएं इसमें जोड़ी जा रही है, समझ रहे हैं आप लोग। आपने देखा होगा कि कुछ पुराने पेपर, इसलिए बोलता हूँ कि कम से कम आपको मालूम तो हो कि कौन साल किस मतलब किस साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो मनमानी की एक तरह से शादी करते हैं लोग, 21 आर्टिकल के तहत उन्हें छूट मिली हुई है, उनका मौलिक अधिकार है। तो आप देखेंगे आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है, याद रखिए। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की और उदारपूर्ण व्याख्या करते हुए इसमें प्रदूषण मुक्त जल को भी शामिल किया है। और याद रखिए नई नई परिभाषाएं गढ़ती रहेंगी, नए नए अधिकार आपके शामिल होते रहेंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 47 और 48 में जन स्वास्थ्य ठीक करना और पर्यावरण संरक्षित करना राज्यों का दायित्व है। एक बात आपको बताऊं, जो नीति निर्देशक तत्व है ये राज्यों पर निर्भर रहते हैं। राज्य अगर सुविधा देना चाहे इन आर्टिकल को, मतलब जो भी इसमें सुविधाएं दी गई हैं, दे सकती हैं और नहीं दे सकती हैं। अगर आपको नीति निर्देशक तत्वों में जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं उनकी सुविधा नहीं मिल रही है, तो आप ना तो किसी के पास जा सकते हैं, ना तो हाईकोर्ट ना ही सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मौलिक अधिकारों का अगर कोई हनन कर रहा है, उसमें जो आपको अधिकार दिए गए वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट की भी एक तरह से मदद ले सकते हैं, हाईकोर्ट की भी, ठीक है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए कहा है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करे और इसमें सुधार करे। आप देखते हैं कि आपके अधिकार दिए गए हैं तो आपके मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अगर आपके संविधान में आपको कुछ अधिकार भी दिए गए हैं तो आपको कुछ अधिकार भी, मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। एक तरह से इन्हें इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप लोग समझिए कि आप किसी पर भरोसा करते हैं, तो मान लीजिए कि आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, तो सामने वाले का भी तो कर्तव्य होना चाहिए कि वो आपकी आंख ये आपको महसूस ना करा दे कि सही में आप अंधे हैं, समझ रहे हैं, आपके भरोसे को बनाए रखे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है, और पहले आपके सात मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। अब इसे भाग संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत या का के तहत आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया। इससे भी कई बार क्वेश्चंस बन चुका है संपत्ति के अधिकार से, ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। आप देखते हैं कि आपको समानता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 14 से 18 इसमें सम्मिलित है।
स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया 1922 आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है 23-24 में आर्टिकल 23-24 अनुच्छेद 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25-28 में दिया गया 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में और संविधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल 32। इसलिए आप समझिए कि महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर ये आर्टिकल ना जुड़ा होता और ये सुविधा ना होती तो आप समझिए कि मौलिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं रहता। आपके अधिकारों का कोई भी हनन करता, कोई भी हस्तक्षेप करता, कोई भी प्रतिबंध लगा देता। आप किसी के पास गुहार नहीं लगा सकते थे, किसी के पास मदद के लिए नहीं जा सकते थे। तो इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे बाबा भीमराव साहब अंबेडकर साहब ने क्या कहा था, भारतीय संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। तो याद रखिए, ये भी डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है, वो किसने कहा था। तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था। और मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो आपने देखा होगा कि 42वें संविधान, ये इंदिरा गांधी के समय की बात की जा रही है, समझ रहे हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर लाए गए थे, ठीक है। याद रखिए, ये सोवियत संघ रूस था ना, उसी की एक तरह से पेरे थे, यानी कि उसी से लिए गए हैं, ठीक है। और भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत इन्हें रखा गया है। तो इन्हें याद रखिए, इन्हें भी याद रखिए आप लोग, ठीक है। और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, क्योंकि वो भी शब्द आपने देखा है कि अभी आपको देखने को मिला, तो संविधान का भाग जो 4 है ना, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, इसमें आपके राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं और इन्हें आपके आयरलैंड के संविधान से फेरे थे, ठीक है, याद रखिए। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं कि आप समझिए कि डायरेक्ट क्वेश्चंस ना बने, लेकिन आप देखेंगे कि इनसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाएगा। अब समझिए आप लोगों से कि जल प्रदूषण पर डायरेक्ट क्वेश्चंस ना बनते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस ना बनते हुए आपसे पूछ ले कि शुद्ध जल लेना आपका मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद के तहत ये सुविधा मिली हुई है आपको, तो आप कहेंगे आर्टिकल 21 के तहत। तो इस तरह के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते रहे हैं और आपसे मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और हो सकता है निबंध भी पूछ ले, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 21, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या फिर दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई मामलों के द्वारा अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या भी की है, इसमें कई अधिकारों को शामिल भी किया गया है, इसमें व्यापक बनाया गया है, यथा जीवन जीने का अधिकार भी आपका शामिल किया गया है, निजता का, प्राइवेसी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, अमानवीय व्यवस्था व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, और आप देखेंगे जो शिक्षा का अधिकार है वो भी इसी के तहत शामिल किया गया है। एक तरह से आपके ये लंबेरेज जो आप देखते हैं ना कि आजकल चलती है, उसकी सुविधा भी आपको आर्टिकल 21 के तहत ही मिली हुई है। ये क्वेश्चन पिछले सालों में पूछा जा चुका है, इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कि कम से कम 5 से 7 साल के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखा करिएगा, उन्हें सॉल्व किया करिएगा, कम से कम एक अंदाजा तो रहता है कि यहाँ से इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, किस प्रकृति के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक सांविधिक संगठन है जिसका गठन 1974 में जल रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो इसे भी आप लोग याद रखिए, यही कहानी थी आपके जल प्रदूषण की और इनसे इन्हीं पॉइंटों को आपको याद रखना है, ठीक है।